अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है फोटोट्रॉपिज्म। जिस तरह से आपको मालूम है कि हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर बायोलॉजी से लिया है वो हम पढ़ रहे हैं, और उसमें हमने पढ़ा था कि कंट्रोल क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है, स्टिमुलस क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से ये प्लांट्स जो है उनमें मूवमेंट या जो रिस्पॉन्स करते हैं ये टूवर्ड्स द सम थिंग्स जस्ट लाइक लाइट वाटर। ओके, तो उसी से हमने जो पहला टाइप जो लिया है मूवमेंट का, दैट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म, या जिनको हम देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म्स और मूवमेंट्स ऑफ द प्लांट पार्ट। सो द फर्स्ट पार्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म, दैट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। नाउ फोटो, यू नो दैट फोटो मीन्स लाइट। ओके, फोटो मीन्स दैट इज कॉल्ड लाइट, फोटो मीन्स लाइट। और ट्रॉपिज्म यानी ट्रॉपिक का मतलब होता है दैट इज कॉल्ड मोमेंट, रेस्पॉन्स मोमेंट, मोमेंट। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट ईदर इट इज कॉल्ड द रेस्पॉन्स ऑफ पार्ट्स प्लांट्स ऑफ प्लांट्स टू लाइट, और द मोमेंट ऑफ द पार्ट्स ऑफ ए प्लांट टुवर्ड्स द लाइट। सो व्हाई टुवर्ड्स द लाइट? बिकॉज इट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म, फोटो मीन्स लाइट। So what is phototropism? In nutshell, we can say that response of plants to light. Response of plants to light. हम respond करते हैं, यानी जिस तरह से हम respond करते हैं, इसी तरह से जो plants होते हैं उनके parts जो होते हैं वो भी light, light जो light इनको stimulate करते हैं और ये respond करते हैं। या तो ये movement करते हैं towards the light, या तो ये movement करते हैं in the opposite direction to the light. Okay? या तो ये रेस्पॉन्ड करते हैं टुवर्ड्स द या अवे फ्रॉम द लाइट। ओके, फॉर एग्जांपल द मोमेंट ऑफ ए पार्ट प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। ये एक सिंपल डेफिनेशन मैं लिख रहा हूं, द मोमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट। ये प्लांट पार्ट क्या हो सकते हैं? ये प्लांट पार्ट हो सकते हैं रूट्स भी, ये प्लांट पार्ट हो सकते हैं स्टेम्स भी, ये प्लांट भी पार्ट हो सकते हैं लीव्स भी। ओके, फ्लावर्स भी, ये फ्लावर्स भी हो सकते हैं। यानी इस तरह से जो प्लांट पार्ट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ रूट्स, इन द फॉर्म ऑफ स्टेम, इन द फॉर्म ऑफ लीव्स, इन द फॉर्म ऑफ फ्लावर्स, और ये मोमेंट जब करते हैं, जब इन पे लाइट पड़ती है, ये मोमेंट करते हैं, ये रेस्पॉन्ड करते हैं, ये रेस्पॉन्ड करते हैं, क्या करते हैं? रेस्पॉन्ड। या तो ये रेस्पॉन्ड करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट, या तो ये रेस्पॉन्ड करते हैं अवे फ्रॉम द लाइट। ओके, या तो ये रेस्पॉन्ड करते हैं away from the light, and that very type of tropism or moment is called phototropism. So we can say that the phototropism means the moment of a plant part in response to light is called phototropism. Because why it is called phototropism? Because it is related to the light, which is called, which we write here the photo. Photo means light. Okay. Now, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हम इस तरह से समझा सकते हैं आपको। मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक प्लांट है, छोटा सा प्लांट बनाया है रफली, और ये जो है ये हमारा सन है, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये सन रेज जो है ये डायरेक्टली पड़ते हैं, क्योंकि ये प्लांट जो है इट इज इन ओपन, प्लांट जो है ये ओपन में है, ये किसी शेड में नहीं है, ये किसी रूम में नहीं है, ये किसी बंद कमरे में नहीं है, ये किसी ऐसी जगह पे नहीं है जहां पे ये बंद है, या मतलब लाइट एक ही साइड में पड़ेगी। तो यहां पे डायरेक्शन जो लाइट जो है वो सीधी पड़ती है, और इन ऑल डायरेक्शंस, इन ऑल डायरेक्शंस क्या होता है, आप यहां पे देख सकते हैं, जब लाइट पड़ती है स्ट्रेट किसी प्लांट पे, स्ट्रेट पड़ती है किसी ये लाइट जो पड़ती है चारों के चारों तरफ से, यहां भी पड़ेगी, यहां भी पड़ेगी, यहां भी, जब हम देखते हैं लाइट ऐसे पड़ेगी किसी प्लांट पे, और ये प्लांट जो है इट विल ग्रो इन स्ट्रेट, ये स्ट्रेट होगा, ये क्या होगा? स्ट्रेट होगा। व्हाई इट इज स्ट्रेट? ये क्यों स्ट्रेट होगा? आपको पता है यहां पे एक हार्मोन होता है जो इसको हेल्प करता है, दैट इज कॉल्ड एक्सिन, ग्रोथ हार्मोन है, एक्सिन है, which helps in the growth of the plant. जो एक्शन जो होता है, जब यहां पर लाइट पड़ेगी चारों तरफ पर लाइट पड़ेगी, और ये एक्शन जो है ये प्लांट, जो प्लांट होता है ये सेपरेट होता है, कौन? एक्शन इज सेपरेट होता है, यहां पे भी होगा, 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 यहां, इसका मतलब ये किसी एक जगह पे जमा नहीं होते हैं,
ना लेफ्ट साइड में ज्यादा जमा होते हैं, ना राइट साइड में ज्यादा जमा होते हैं, ना ऊपर जमा ज्यादा होते हैं, ना नीचे जमा ज्यादा होते हैं। तो इसका मतलब जितना ऊपर है उतना नीचे भी है, जितना लेफ्ट साइड में उतना ही राइट साइड में। इसका मतलब इनकी जो सेपरेटनेस है वो यूनिफॉर्म है। जो एक्सियन्स की सेपरेटनेस है वो क्या है यहाँ पे, वो यूनिफॉर्म है। इसीलिए जो प्लांट है जब लाइट पड़ेगी इस पे सीधी पड़ेगी इन द डायरेक्शन इन दिस स्ट्रेट डायरेक्शन, सो वी कैन से दैट द प्लांट विल ग्रो इन स्ट्रेट, द प्लांट विल ग्रो इन स्ट्रेट मैनर। तो ये प्लांट स्ट्रेट होगा, ये टीढ़ा नहीं हो सकता है। इट विल नॉट बेंड, यानी इसके जो स्टेम्स है वो बेंड नहीं हो सकते, जो सिस्टम जो है वो बेंड नहीं हो सकता। तो ये क्या है, यानी इसका मतलब यह है कि यहाँ पे लाइट जो पड़ती है, जो लाइट इस पे जो पड़ती है, ये क्या पड़ती है, स्ट्रेट यहाँ पे पड़ती है। और जो प्लांट यहाँ पे सिस्टम जो है ये रेस्पॉन्ड करता है इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट, एंड दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म है, ये पॉजिटिव है। Why it is called a plant? When a part of a plant responds, when the moment of a part of a plant is in response to the light, in the direction of the light is response to the light is called phototropism. When its direction is just like this and its moment is just like this. For example, light ऐसे ही आती है और इसकी direction भी ऐसी होती है, ये कहीं पर टीढ़ी नहीं होती है, ये बेंड नहीं होता है या एवे नहीं करता है, तो इसका मतलब होता है ये पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म है। और दूसरी बात यहाँ पे है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ऐसा हुआ है, ये सन है, यहाँ पे एक और प्लांट है, मान लीजिए ये एक बंद कमरे में है ये प्लांट, और यहाँ पे ये लाइट पड़ती है, एक तरफ से लाइट पड़ती है इस तरफ से, तो स्ट्रेट नहीं पड़ती है, इस तरफ से जब लाइट पड़ेगी आप देख सकते हैं इट विल बेंड अवे फ्रॉम द अवे, सिस्टम विल बेंड अवे, सिस्टम बेंड्स अवे, सिस्टम बेंड्स अवे इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट। आप देख सकते हैं रूट्स यहाँ पे ऐसे, सिस्टम ऐसे टीढ़ा हुआ है, ये भी बेंड हुआ है, ये भी बेंड हुआ है, ओके सिस्टम विल, ये सिस्टम जो है लाइट यहाँ पे, और ये सिस्टम जो है इट इज इन रेस्पॉन्स टू दिस लाइट, एंड ये सिस्टम जो है ये अवे, इट बेंड्स अवे, बेंड्स अवे, एंड ये सिस्टम इन द बेंड्स, इट इज इन इट्स रेस्पॉन्स इज इन द टू द लाइट इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, it is away from the light, it bends away from the light. So we can say that this plant is straight and this is not straight. Why this is not straight? yahan pe kya bola tha maine ki axon jo hai ye separate hua hai sare plant mein, yahan pe bhi, yahan pe bhi, yahan pe left mein jitna utna right, jitna upar utna niche, lekin yahan pe jama hua hai, yahan pe ye left side mein jama hua hai. agar light right side mein padti hai, सिर्फ और सिर्फ लाइट राइट साइड में पड़ती है, और एक्सन यहाँ पे जमा हुआ है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट में एक्सन जमा हुआ है, इसीलिए जो रूट है ये बेंड हुआ है अवे फ्रॉम द लाइट, एंड द सिस्टम इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट। सो वी कैन से दैट यहाँ पे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म है, और दिस इज कॉल्ड नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म है, ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म है। तो दो चीजें होती है, यानी फोटोट्रॉपिज्म जो है ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव कब होते हैं, पॉजिटिव तब होते हैं जब प्लांट पार्ट मूवमेंट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, और जब प्लांट पार्ट मूवमेंट करता है अवे फ्रॉम द लाइट, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव ट्रॉपिज्म। और यहाँ पे आप रूट को देख सकते हैं, यहाँ पे इसीलिए इसने ज्यादातर ये अवे फ्रॉम द मूवमेंट किया, अवे फ्रॉम द लाइट। वाई? बिकॉज here the axon has been separate here in the left side, because the light is in one direction, one sided direction, light is in one sided direction, it isliye ye yahan pe jama hua hai left side mein, aur isliye yahan pe roots jo hai it bends away from and the stem in the direction of the light. to yahan pe phototropism jo hai ye positive hai aur yahan pe negative phototropism hai. to is tarah se maine aapko bataya ki phototropism jo hai इसका इंट्रोडक्शन इस तरह से है कि ये मोमेंट है प्लांट पार्ट का इन रेस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म, या द रेस्पॉन्स ऑफ ए प्लांट्स
तो लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। इसके दो किस्म भी हो सकते हैं, होते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। इन दो शक्लों से आपने समझा होगा, समझा होगा, और यहाँ से आप अभी मतलब जब भी ये वीडियो आप देखोगे मेरा, तो उसी वक्त आप किताब अपनी निकालोगे और उसी वक्त आप और पॉइंट्स जो है वो इस पे ऐड करोगे।